नमस्कार दोस्तों, बस बिजनेस के फोर्थ एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे भारत में ट्रक्स और बसेस बहुत चलती है और उनमें से बहुत सारे ट्रक्स और बसेस में एयर कंडीशनिंग सिस्टम अब कंपनी दे रही है, पर इसमें भी बहुत सारे बंदों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो इसी के चलते हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और इसी के साथ साथ हम इस वीडियो में आपको एक मैन्युफैक्चरर से भी विजिट करवाएंगे जो इस फील्ड में बहुत सालों से एक्टिव है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया में चल क्या रहा है। बेसिकली स्लीपर बसेस और सीटर बसेस में और खासकर ट्रक्स में कुछ कंपनियों के एसी कॉमन आते हैं, जैसे कि जेटी एसी है, इबेर स्पेचर है और हायर है, डाइकिन है, बहुत सारी कंपनियों के इसमें एसी आते हैं। कुछ बाहर की कंपनियां भी है, जैसे कि चाइना से टिकेटी कंपनी है। तो इनमें क्या है कि इंडिया में जो एसी चलता है वो खासकर एसी यूनिट से चलता है, मतलब इंजन से कॉम्प्रेसर पावर लेता है, फिर उसके साथ वो चलता है। इंटरनेशनली जो ट्रक्स वगैरह चलते हैं, जैसे कि कनाडा यूएस में जो ट्रक्स वगैरह चलती है, तो उनमें आपने देखा होगा कि आप करण सर को जानते होंगे, वो ट्रकर है और कनाडा में ट्रक चलाते हैं, काफी बड़ा यूट्यूब चैनल है उनका भी। तो उनके कुछ वीडियोज में आपने देखा होगा कि जब सोते हैं गाड़ी तब बंद होती है, पर जो एसी होता है वो बैटरी से चलता है डायरेक्टली, गर्मी के दिनों में आपको मैं बोल रहा हूँ। हमारे इंडिया के ट्रक्स में वैसी सिस्टम नहीं है, क्योंकि अगर हमें एसी स्टार्ट करना है गाड़ी का, कार का भी, तो भी हमें गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है, बैटरी से एसी नहीं चलता। बैटरी से ब्लोअर चल जाता है पर एसी नहीं चलता। इंडिया में भी वैसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिनके बारे में आपको जानना होगा और इसी के साथ साथ ये आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए फिर दोस्तों देखते हैं टीकेटी एसी कंपनी के स्टॉल को और वहाँ आलोक सर हमें क्या जानकारी देते हैं। दोस्तों अभी हम हैं टीकेटी एचवीएसी सॉल्यूशंस पर, हमारे साथ है आलोक सर। सर आपका स्वागत इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल में। थैंक यू सर। सर अभी आपके जो प्रोडक्ट रेंज है इस एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, तो उनके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। जरूर सर। एक्चुअली हम लोग चाइना बेस्ड कंपनी है और इंडिया में हमारा प्लांट पूना में है और स्टार्टिंग फ्रॉम 4 मीटर से लेके 13.5 मीटर का हमारे पास एसी है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम हम सप्लाई करते हैं, जो बेसिक हमारे कस्टमर हैं यहाँ पे इंडिया में टाटा मोटर्स हैं और डिफरेंट कस्टमर्स को हम अप्रोच कर रहे हैं। तो एसी में कैसा रहता है कि ये कंफर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक अगर आप देखेंगे ये हमारा एचवैक सिस्टम है, जो ये बैटरी सिस्टम पे चलता है, बैटरी पावर पे चलता है। मेनली ये हम उनको सप्लाई करते हैं जो ड्राइवर को कंफर्ट देना चाहते हैं, लाइक जैसे टिपर ट्रक हो गया, शक्तिमान का हार्वेस्टर हो गया, अगर इनको ड्राइवर को कम्फर्ट होगा तो अच्छा से काम कर सकेंगे, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होता है। तो ये अभी हम 12 वोल्ट 24 वोल्ट DC है, सेम टाइप का ये भी है जिसमें इवोपेटर यूनिट अलग है, कंडेंसर यूनिट हमारा पीछे रहता है। तो ये हम जो माइनिंग्स में यूज़ करते हैं, माइनिंग्स के ट्रक में हम ये यूज़ कर सकते हैं, और ये जो रहता है जैसे हम ट्रक केबिन के लिए उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, शक्तिमान हार्वेस्टर का जो शुगर केन हार्वेस्टर है उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जो जैसे रेफर यूनिट्स है, ट्रक रेफ्रिजरेशन यूनिट्स है, तो उसमें भी हमने ईवी में हमारे पास यूनिट्स है 12 वोल्ट 24 वोल्ट, और जैसे अभी ये यूनिट है ये 9 मीटर के बस को हम देते हैं जिसमें हम टाटा मोटर्स हमारा मेजर कस्टमर है। इसमें हमारे पास 12 मीटर के लिए है, डबल डेकर बस के लिए है, जो हम स्लीपर कोचेज बसेस के लिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो उसमें हमारा एसी है, इलेक्ट्रिक में ऑलरेडी हमारे है, कन्वेंशनल एसी में हम हैं। और जो आपका कैरावन एसीज रहते हैं, जैसे कैरावन एसीज जो आप मार्को पोलो ने डोमेटिक का यूज़ किया है, उस टाइप के हमारे पास कैरावन एसीज भी हैं जो मेडिकल वेन्स में हम यूज़ करते हैं। तो नाउ इन इंडिया में क्या हो रहा है कि एसीज का जो मार्केट था वो काफ़ी ग्रो हो रहा है, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर एसी विल बी यूज्ड बाय ईच एंड एवरी ट्रांसपोर्टर्स। जैसे अभी हमारे घर में पहले बहुत कम लोग एसी यूज़ करते थे, लेकिन आज देखेंगे तो आप एसी सबके घर में है। जैसे अभी ये दो प्रोडक्ट हैं, ये दो प्रोडक्ट काफ़ी वाइडली यूज हो रहा है ट्रक्स में, कैरावेंस में और मेडिकल वैन्स में। सो ये छोटा सा एक हमारे तरफ से ब्रीफ था एसी के बारे में, हमारे कंपनी के बारे में, और हमारा प्रेजेंस जो इंडिया में है वो 2019 से है। 2019 से हम इलेक्ट्रिक एसी सप्लाई कर रहे हैं और अभी आफ्टर मार्केट में भी काफ़ी कुछ हम दे रहे हैं। और सर एक बात बताइए, अभी इसकी जो प्राइसिंग रेंज है बसेस के एसी से खासकर, तो ये कहाँ से शुरू होती है? देखिए प्राइसिंग रेंज अगर आप इस प्रोडक्ट का बात करेंगे तो ये आपको 65 to 70,000 से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे आप क्वालिटी के लिए मांगेंगे तो वो कॉस्ट थोड़ा बढ़ते जाता है, और आप वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट थोड़ा कम होता है। इट्स डिपेंड्स ऑन क्वालिटी सर, अगर आप क्वालिटी जैसा देंगे वैसा प्रोडक्ट का ये रहेगा। और सर अगर किसी सोलो कस्टमर को आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, हाँ सिंगल जी जी, तो आपके साथ यस मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8550987070। सर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी मिल सकते हैं? ऑल ओवर इंडिया में हमारा कॉन्टैक्ट्स है, लाइक आप वहाँ पे देखेंगे तो हमारा सर्विस सेंटर्स है जम्मू दिल्ली, जम्मू से लेके साउथ तक हमारा कॉन्टैक्ट ऑलरेडी है, हमारे खुद के बंदे हैं, आप वो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें चांस दिया, आपने प्रोडक्ट वगैरह दिखाया, इसलिए हम थैंक यू सर। थैंक यू। और सर एक बात थी कि अभी जो बसेस के एसी आ रहे हैं सर, हाँ, तो उनमें रिसर्कुलेशन वगैरह का कुछ एसीज में मतलब ऐसा प्रावधान नहीं होता है, रिसर्कुलेशन जैसे सफोकेशन वगैरह होने की समस्या होती है? नहीं नहीं नहीं, हमारे इस एसीज में जैसा आप कार में रिसर्क मोड कर सकते हैं, फ्रेश मोड कर सकते हैं, इस टाइप का इसमें ऑलरेडी है।
हम फ्रेश मोड का एयर ले सकते हैं सिमिलर टू कार। ओके सर। और इसमें अभी हम हीटिंग प्रोविजन भी दे रहे हैं, जैसे जो हम HVAC बोलते हैं, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, दैट वी हैव हमारे प्रोडक्ट में ऑलरेडी है वो। लेकिन जैसा आपको चाहिए वैसा हम दे सकते हैं। अगर आपको हीटिंग चाहिए हीटिंग दे सकते हैं, वेंटिलेशन दे, सिर्फ एयर कंडीशन चाहिए डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन। यस, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन वी कैन प्रोवाइड। ओके सर, हम दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू। तो दोस्तों आप जरूर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आलोक सर ने हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।